बड़े पॉन्ड में से जो पहले पॉन्ड में से जो मछली ये नहीं आई, स्ट्रेट था। ये देखें भाई, इस साइज की हमने जो है झटका मार रही है। ये कुलड़ा है, ये मोराखी है ना, ये निकाल लिया भाई हमने इस फार्म से। और उस बैग में भी अच्छे साइज की, रीजनेबल साइज की जो है ना मछली है। पूरी वीडियो आप देख लें इस ब्लॉग में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आ गए हैं दूसरे पॉन्ड पे, और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो हमने एक और पॉन्ड में जो है हाथ से मछली निकाली थी, और वहाँ से सक्सेसफुली हमने रीजनेबल साइज़ की निकाली है। बट हमें दावत आई है एक और पॉन्ड से कि इस पॉन्ड में मछली ज़रा बड़ी है, तो जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करने। टीम हमारे साथ वही है, सारे लड़के वही हैं, इस पॉन्ड में उतर रहे हैं। चेक करें आप, टीम हमारी दोबारा उसी नेट को असेंबल कर रही है और हम दोबारा जाने वाले हैं। ये पॉन्ड ज़रा बड़ा है, ये तकरीबन 1.5-1 एकड़ के ऊपर है फार्म, और अभी अंदर जाना है इसमें, फाइंड आउट करने कि इसमें कौन सी मछली है और किस साइज़ की है। चलो भाई, पानी में हमने जाना शुरू कर दिया है, और अब यहाँ पे हमें होपफुली ज़रा बड़ी मछली मिलेगी। चेक करते हैं, पानी दोबारा ठंडा लगना शुरू हो रहा है। ये हमारा इस वक्त नेट जो है ना वो बहुत लंबा है, और ये पॉन्ड भी बहुत लंबा है, इस वजह से यहाँ पे जो है ना लंबा लेके चलना है। ये ड्रोन जो है मेरे पीछे आ गया है, रोशन जो हमारा श्रीलंकन फ्रेंड है उसने ड्रोन जो है वो छोड़ दिया, वो कैप्चर करेगा, तो इस वीडियो में आपको ड्रोन शॉट्स भी बड़े अच्छे जो है ना देखने को मिलेंगे। कीप वॉचिंग। चले जी, हम अपना पहला राउंड करने जा रहे हैं, अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है, कौन सी मछली है। उन्होंने बताया कि इसमें थैला ज़्यादा है, तो किनारे तक खींच के ले आए हैं, अब देखते हैं क्या निकलता है। इसमें होपफुली बड़ी मछली होनी चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आहा। साईं, कौन सी मोराखी तो नहीं है ना ये? कुल्लड़ो। ये देखो एक दाना वापस, इनको ये दाना पसंद नहीं आया, इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ये छोटा है, बड़ा दाना निकालेंगे। ओए, ये कहाँ से आया? आपका नाम क्या है? फयाज। फयाज, मछली निकालो ना फयाज, बड़ी मछली निकालो। निकालेंगे निकालेंगे, बड़ी मछली निकालेंगे। हाँ, आवाज आना शुरू हो गई। थैला थैला दिख गया मुझे, थैला ना ये थैला है, ये थैला आ गया। ओके, गुड इनफ। ये है भाई थैला यहाँ का, और थैला इसको इसलिए कहते हैं कि इसका मुंह ऐसे ओपन होता है, तो थैला हमें लग गया है, लेकिन ये छोटा है ना, इसको हम छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, दूसरा पकड़ेंगे बड़ा। थैला है, ये भी थैला ही है। ओके, इसको भी रिलीज करना है। क्या ले भाई, खैरियत है। चलो, दो थैले हमने छोड़ दिए। हाय 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 हाय, ये मोराखी निकल गई, लेकिन ये छोटा दाना था, doesn't really matter। ये बड़ा दाना था मोराकी का, आपने देखा मिस हो गया। अब देखें क्या होता है, देखें। मैं अब आगे जा रहा हूँ। ये जाल अच्छा मारा है, जाल अच्छा मारा है। खींचो 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 खींचो, वो देखो वो, ये आया भी है कुछ। ये देखो मछली फंसी हुई है। मछली फंसी हुई है, आप देख रहे हो ना, मछली सारी फंसी हुई है। ये थैले ने मुंह निकाला हुआ है, ये मुझे लग रहा है इसमें कुछ रीजनेबल साइज की मछली है। हाँ,
ये थैले का मुंह देखा आपने, थैला मुंह निकाल के सांस ले रहा ऊपर। वो देखें आप, वो देखें जाल फुल टाइट भरा हुआ है, फुल टाइट माशाल्लाह से भरा हुआ है। बहुत अच्छा जाल मारा है, बहुत रीजनेबल साइज की मछली है, बहुत रीजनेबल साइज की मछली है। वाह, ये छोड़ दी इसने, ये भी छोड़ दी। ये इनके मुताबिक छोटी है, ये सिर्फ सिलेक्टेड और जो साइज वाली मछली है ये देखो ये छोड़ दी, ये भी छोड़ रहा है। बेटा निकाल लो उसको, हाँ। लेकिन मछली आ गई थी, हाँ अच्छी अच्छी मछली आ गई थी। हाँ निकालते निकालते उसको दिखाते, हाँ पीछे पीछे करके गोल, बड़ी मुश्किल से आई है। ओ हो 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 हो, वीआईपी साइज, वीआईपी साइज। आगे से देखो, हाँ ये देखो जी, ये रीजनेबल साइज की मछली आ गई है। इसको कुलड़ा कहते हैं ये लोग, रहू टाइप की है ये, है ना। देखो भाई हमारी जो हमने जो रीजनेबल साइज निकाली है ना, ये कम से कम डेढ़ डेढ़ किलो के पीस है, तो ये तीन पीस हमने निकाल लिए और मजीद एक आध दो ट्राई मारने जा रहे हैं ताकि अच्छी बड़ी कोई आ जाए ना वो दिखाएं आपको। बड़ोआ, हाँ ये देखो आई गई बड़ी, थैला बड़ा है ये, है ना, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ो थैलो आ, रीजनेबल साइज, वेरी रीजनेबल साइज। चलो जी हमारा बैग फुल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मुझे उम्मीद है हमने अच्छी मछली कर ली है यहाँ पे, तो इसके बाद हम जो है ना इस साइज में से जो है ना शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे जो बड़ा साइज हमें चाहिए। वहाँ में कॉर्नर में तो मछली है, सही मछली है, लेकिन जैस साइज की हम देख रहे हैं वैसी नहीं है। ये देखो छोटी तो बहुत है, रीजनेबल साइज की तो बहुत है, रीजनेबल साइज की बहुत है। अच्छा अच्छा ये राउंड गया है, लेकिन हम जो साइज चाह रहे हैं, ये देखो मेरे सामने तक आई है, वो बड़े दाने दिख रहे हैं मुझे, कुलड़ा के बड़े दाने, रहू है वो, काला रहू जिसको कहते हैं। ओहो उस्ताद रुको, जरा रुको 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 रुको, फाइंड ये है ना अच्छा दाना, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ओहो ये दिख गया भाई, आखिरी राउंड में अच्छा दाना निकल आया। ये देखो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, हाँ वो बाहर बाहर जाके निकाल लेंगे, देखो और क्या निकला है। वाह जी वाह वाह, ओ माशाल्लाह गिराना जी, बड़ी मुश्किल से आया। ओके भैया, हो गया हमारा फिश फार्म का सीन, दो आज हमने किए पार्ट्स बनाए। दूसरे वाले पार्ट में तो हमने भाई ये जो अभी इस व्लॉग की जो एंडिंग हो रही है, ज़बरदस्त पीस मारे वो हमने कटवाने के लिए भेज दिए, तो बड़ा मज़ा आया। ये जो सारी मछली होती है, बात लोग इसको फार्मिंग समझते हैं, बट इसको खिलाया कुश्ती जाता है, ये नेचुरली अपने इस इकोसिस्टम में पलती है, बढ़ती है, खाती है, पीती है, ये ऊपर से कुछ नहीं डालते हैं गांव में ख़ास तौर पे। तो इस तरह भाई करते हैं हम इस वीडियो का इख्तिताम, होपफुली आपको ये सिंग सीरीज़ मज़ेदार लगेगी। अभी इसमें बहुत कुछ है जो आएगा, जो मेरे लिए भी नया होगा आपके लिए भी नया होगा। कीप सपोर्टिंग, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू, बाय।